हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये सेशन आप लोगों के लिए है। बच्चे मेरे ना यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, सर 100% एक्यूरेसी इज अ मिथ, क्योंकि तुम्हारे कोचिंग वालों ने तुम्हारे दिमाग में ये डाला है कि 100% एक्यूरेसी इज अ मिथ। आपके कोचिंग ने आपको गलत चीजें पढ़ाई है, गलत चीजें सिखाई है, और मैं इसके ऊपर किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज मार्केट में फंडा है कि तुम्हारी एक्यूरेसी 100% नहीं आ सकती है। लोगों को मैंने कहते हुए देखा है, वर्बल में 22 क्वेश्चन लगाओ, वर्बल में 18 क्वेश्चन लगाओ विद 80% एक्यूरेसी, कोई नहीं बता सकता तुम्हारी एक्यूरेसी डी डे पे 80% आने वाली है या 98% आने वाली है या 50% आने वाली है। ये सब गलत चीजें हैं, और ये चीज आपको समझना जरूरी है कि हर एक चीज जो बोली जाती है वो जनरल लेवल पे बोली जाती है, वो हर एक बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड आई विल टेल यू समथिंग, इवन 99% आर एबल टू गेट 100% एक्यूरेसी, और जो 100% होते हैं उनके भी किसी किसी सेक्शंस में 100% एक्यूरेसी आती है। हमारे खुद के बच्चे हैं जो 99+ फोड़े हैं, किसी का क्वांट बहुत बढ़िया है, क्वांट में 22 करा 22 के 22 करेक्ट, वर्बल में 16 करा 16 के 16 करेक्ट, डीएलआर में 8 करा 8 के 8 करेक्ट, और मैं एग्जांपल दे चुका हूं बहुत बार। अंकित 99.96% सी2सी टॉपर, समझ रहे हो, डीएलआर 8/8 100% एक्यूरेट। सेम इज एप्लीकेबल फॉर क्वांट्स, वर्बल में इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत गया उसका, 99.96 कैट 22। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है, एक्यूरेसी 100% आती है, शत प्रतिशत आती है, उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात अलग है कि तुम्हारे कोचिंग वाले ने तुमको नहीं बताया होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, बट इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल फॉर 90% टाइम। 99 के ऊपर ज्यादा नहीं होती है, एक आध सेक्शन में आप गड़बड़ जाते हो, 90-80 पे आ जाते हो।